जी नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में। और आशा करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने परिवार के साथ अच्छा और कीमती समय बिता रहे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में जो मैं आप सबके लिए लोक कथा यानी कि कथा लेकर आई हूँ, लोक कथा कह लीजिए, लोक कथा तो लेकर आई हूँ, वो है भगवान जो श्री राम है उनके पिताजी के ऊपर निर्धारित है। और इस कथा का शीर्षक है कि राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। तो ये सुनते हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले, वहां उनका सामना बाली से हो गया। अब राजा दशरथ की किसी बात से नाराज हो बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी भी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे, इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। अब जब बाली और राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था तो उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा, वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः ये तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी, या तो वे अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़ जाए या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत ही ज्यादा दुख दे गई थी कि राजा दशरथ को जो है मुकुट वहां रखना पड़ा। अब क्योंकि उनको दुख था तो इसलिए वे क्या बहुत ही चिंता में रहती। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। ये बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। अब वे राज मुकुट की वापसी में ना चिंता में रहती रात दिन। जब श्री राम जी के राजतिलक का समय आया तब दशरथ जी और कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। ये बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने जब श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन भिजवाया था तब रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा तो प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया कि रावण को मैंने बंदी बनाया था, तब वे भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले ले, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए तहां वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। अब रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा। उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। तो ये थी रघुकुल के राज मुकुट की कथा। राजा दशरथ के पास से मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल के लाज बच सके। यदि कि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए। इसलिए श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को करते थे। श्री राम कैकेयी माता को इसलिए भी बहुत प्रेम और आदर करते थे क्योंकि कैकेयी के द्वारा ही उनका अवतार लेना सार्थक होना था। तो ये तो थी कहानी राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज, जो कि एक लोक कथा ही कह लीजिए इसको, कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छी है। तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छे बुरे विचार सब साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी में नई
कथा के साथ, नई लोक कथा के साथ। तब तक सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।